क्यूब आज मैं आपको बताऊंगा कि XUV500 का AC कैसे यूज़ करना है। अगर तो आपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की हेल्प से करना है तो बस आपको ऑटो पे क्लिक करना है, गाड़ी अपने आप टेम्परेचर के हिसाब से सारा कुछ सेट कर लेगी। पर अगर आपको मैन्युअली ये खुद सेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मोड पे क्लिक करना होगा। मोड पे क्लिक किया, अभी जैसे आप देख सकते हो ये हवा जो है मुंह पे और पैरों पे आ रही है। मैं इसको मोड को फिर से प्रेस किया, ये सिर्फ पैरों पे, फिर से प्रेस किया तो ये अगली विंडशील्ड और पैरों पे। यहाँ पे एक फ़ैन होता है जहाँ से हमारे को हवा आती है, और अब मैं इसको फिर से क्लिक किया तो ये सिर्फ फेस पे। और अगर तो आपको रियर डिफॉगर यूज़ करना है तो आपको ये वाला बटन प्रेस करना होगा, ऑटोमेटिकली पिछला डिफॉगर ऑन। और अगर आपको आगे विंडशील्ड क्लीन करनी है तो यहाँ से भी आप क्लिक करके चला सकते हो, नहीं तो ये मोड से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मोड से भी आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका ऐसे पैरों के साथ और अगली विंडशील्ड पे। और अगर तो आपको मतलब टेम्परेचर भी सेट करना है, जैसे आप देख सकते हो अभी 22.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर मुझे कम करना है मैं इसको यहाँ से करूँगा तो आप देख सकते हो ये हो गया कम, हो गया 18.5 हो गया। अब मैं इसको लो पे चला गया तो फ़ैन की स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, आप देख सकते हो। और फ़ैन की स्पीड कम करने के लिए आपको यहाँ से इसको सेट करना है। AC काफ़ी पावरफुल है XUV का, और अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको ये रेड साइड पे इसको स्क्रॉल कर ही जाना है, ये 26 पे, अभी ये गर्म हवा देगा। जनरली 47-48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, मैं अमृतसर में रहता हूँ तो मैं इसको राउंड अबाउट 18 के आसपास ही रखता हूँ ज़्यादातर, 18-20 पे। और फ़ैन की स्पीड मैं 3 रखता हूँ, और वैसे अभी 32 डिग्री सेल्सियस है बाहर, तो कार काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छी गुली करती है। एक बारी मैं आपको इसकी फिर से फ़ैन की साउंड सुना देता हूँ, फ़ैन की साउंड काफ़ी है इसकी, पर फिर भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, काफ़ी अच्छा AC है XUV का।